किरदार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि खालिद का इसका नाम खालिद है, हु इज़ अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गाय, जिसकी मजाक हर कोई उड़ाता है, फैमिली में बहुत लोग सब लोग मजाक उड़ाते हैं, इनफैक्ट इज मॉम डैड वो भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन दिस गाय इज़ वेरी ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, आई वुड रैदर कॉल इट अ ब्रोकन चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड, तो हु इज़ अ बिट साइकोटिक बट नॉट अ स्पेशल चाइल्ड फॉर श्योर. So, as an actor, it's going to be very, very difficult and different also from whatever I have played before. So, yeah, I think audience will get to see a new Rehaan in it. Okay, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया होगा, बहुत बहुत फर्स्ट रिएक्शन क्योंकि आप भी खुद बोल रहे इसको मजाक उड़ाया जा रहा है, तो किस बात में मजाक उड़ाया जा रहा है? ओके, जब मैंने पहली बार इसका ऑडिशन दिया था तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता था. जब मैं व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई मेट द क्रिएटर्स द प्रोड्यूसर्स दे नैरेटेड दे डिस्क्राइब्ड मी द कैरेक्टर, आई फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर. आई मीन इफ यू आर एन एक्टर एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एज एन एक्टर, दिस कैरेक्टर इज अमेजिंग फॉर यू. आई मीन lot of shades, lot of variations, so as an actor I can challenge my own capabilities while doing this character. Okay, kis tarah ka message hoga show mein, koi message hoga show ke dwara? Ji, jo hamari zindagi ke jo do ahem rishte hain, pyar aur dosti, this show is all about love and friendship, so I think this show will give a very good message to the society about love and friendship, so people should be watching out it for. जी, जहाँ तक ये मुस्लिम बैकग्राउंड पे बेस्ड है तो उर्दू अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई हैड टेकन फ्यू क्लासेस फॉर अबाउट अ मंथ, मोर देन अ मंथ एक्चुअली, टू लर्न अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली सो दैट आई कैन प्रोनाउंस देम प्रॉपरली ऑन स्क्रीन. फैंस से मैं ये कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो फार. ये शो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट है, आपको एक नया किरदार एक नए तरीके से देखने को मिलेगा. प्लीज़ डू वॉच बहु बेगम, कीप लविंग मी. थैंक यू. आपके नए शो में किस तरह का किरदार है, थोड़ा किरदार के बारे में बताइए. किरदार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि खालिद का इसका नाम खालिद है, हु इज़ अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गाय, जिसकी मजाक हर कोई उड़ाता है, फैमिली में बहुत लोग सब लोग मजाक उड़ाते, इनफैक्ट इज़ मॉम डैड वो भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन दिस गाय इज़ वेरी ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, आई वुड रैदर कॉल इट अ ब्रोकन चाइल्ड फ्रॉम इनसाइड, तो हु इज़ अ बिट साइकोटिक बट नॉट अ स्पेशल चाइल्ड फॉर श्योर. सो एज एन एक्टर इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट ऑल्सो फ्रॉम वॉट एवर आई हैव प्लेड बिफोर. सो या आई थिंक ऑडियंस विल गेट टू सी अ न्यू रेहान इन इट. ओके, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया होगा, बहुत बहुत फर्स्ट रिएक्शन क्योंकि आप भी खुद बोल रहे इसको मजाक उड़ाया जा रहा है, तो किस बात में मजाक उड़ाया जा रहा है? ओके, जब मैंने पहली बार इसका ऑडिशन दिया था तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता था. जब मैं व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई मेट द क्रिएटर्स द प्रोड्यूसर्स दे नैरेटेड दे डिस्क्राइब्ड मी द कैरेक्टर, आई फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर. आई मीन इफ यू आर एन एक्टर एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एज एन एक्टर, दिस कैरेक्टर इज अमेजिंग फॉर यू. आई मीन lot of shades, lot of variations, so as an actor I can challenge my own capabilities while doing this character. Okay, kis tarah ka message hoga show mein, koi message hoga show ke dwara? Ji, jo hamari zindagi ke jo do ahem rishte hain, pyar aur dosti, this show is all about love and friendship, so I think this show will give a very good message to the society about love and friendship, so people should be watching out it for. Okay, aapne apne language mein kitna kaam kiya, urdu mein? Ji, jahan tak ye muslim background pe based hai to urdu alfaz bahut important hai, to I had taken a few classes for about a month, more than a month actually, to learn a few words properly so that I can pronounce them properly on screen. फैंस से मैं ये कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो फार. ये शो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट है, आपको एक नया किरदार एक नए तरीके से देखने को मिलेगा. प्लीज़ डू वॉच बहु बेगम, कीप लविंग मी. थैंक यू.